आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सर्कल से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दिया है, साथ में दो सीकेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। तो पहली सीकेंट है बी ए पी जबकि दूसरी सीकेंट है डी सी पी और दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब हम लोगों को बोला है कि ए पी जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है जबकि बी ए की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फिर बिल्कुल इसी तरीके से पी सी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हम लोगों को डी सी की लेंथ फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कभी भी जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने हो जहाँ पे कि हम लोगों को एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हो और एक्सटर्नल पॉइंट से दो सीकेंट्स ड्रॉ करी जाती हो एक सर्कल में, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप ऐसी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। और वो क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग सीकेंट ड्रॉ करते हैं दो करिए या दो से ज़्यादा हो, तो जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो या दो से ज़्यादा सीकेंट्स ड्रॉ करें तो एक्सटर्नल पॉइंट से फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उन डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इस बात का मतलब क्या है, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या है पी और इस सीकेंट के लिए फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है ए और सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है पी से बी है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है ए है और ये वाली बी ए जो डिस्टेंस है इसको अगर हम लोग बी कंसीडर कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस सीकेंट की बात करें तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है सी है और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग सी कहते हैं और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग डी कहते हैं, तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। इसका मतलब पी से फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए और इसकी डिस्टेंस है कितनी ए, तो ए इंटू सेकेंड पॉइंट बी है और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए इंटू ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, जब इस सीकेंट की हम लोग बात करें तो इसके लिए यहाँ से फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है सी और इसकी डिस्टेंस को किससे दिखा रहे हैं हम लोग सी से, ठीक है, इनटू सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डी और इस पूरी डिस्टेंस का मतलब क्या है सी प्लस डी। बात समझ आती है, सी प्लस डी जस्ट वैल्यूज रख दीजिए। अब तो अब देखो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 5, रखो जरा 5। अब सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस का मतलब 5 प्लस 4, ठीक है ना, तो 5 प्लस 4 एंड दिस इक्वल टू सी, सी का मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये है 4 और C प्लस डी का मतलब सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस जो कि कितनी होगी 4 सेंटीमीटर प्लस x, ठीक है, तो 4 प्लस x इसको लिख दीजिए, अब कर दीजिए फर्दर सिंप्लीफाई, तो 5 एज इट इज लिखो, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 एंड दिस इक्वल टू 4 ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो होगा 16, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये बनेगा 4x, क्लियर। 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 और ये 16 एज इट इज़ लिखा, 4x हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, तो अब हम लोगों के सामने क्या है 4x प्लस 16 इक्वल टू 45, मतलब 4x इक्वल टू कितना हो गया 45 और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस में जाएगा, 16 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, मतलब 4x की वैल्यू है 29 तो x कितना आ जाएगा 29/4 और जब इससे इसको डिवाइड करें तो 7.25 सेंटीमीटर और यही आंसर है, यानी कि x की वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।